बक्सर की छोटी बड़ी तमाम खबरों के साथ आप देख रहे हैं CNB न्यूज हेडलाइन। बक्सर के बरोपुर में चार लोग संक्रमित मिले, चार व्यक्ति को संक्रमित पाया गया। इन चार नए संक्रमित लोगों की रिपोर्ट आने के बाद जिले में संख्या 40 हुई। जिले में कुल 143 पहुंच गई, जिसमें 103 को लोग पूर्व से स्वस्थ हो चुके हैं। चार नए संक्रमित मिले, लोगों में से एक व्यक्ति होम क्वारंटीन था, जबकि अन्य तीन क्वारंटीन किए गए थे। बक्सर जिलाधिकारी तथा SP के साथ वरीय अधिकारियों ने निकाला मास्क की जागरूकता रैली। कोरोना वायरस के बचाव को लेकर आयोजित की गई कार्यक्रम किला मैदान से लेकर शहर के में पद यात्रा, सब्जी मंडी में DM SP ने बांटे मास्क, मास्क पहनने को लेकर लोगों को किया गया जागरूक। खोदा जमीन निकला दारू। बक्सर के सट मुसहरी में करीब 2000 लीटर से अधिक अर्धनिर्मित महुआ का कच्चा शराब पुलिस ने नष्ट किया। नवानगर थाना सहित 3 थानों की पुलिस ने संयुक्त रूप से की छापेमारी। बक्सर नगर थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जहाज घाट के गंगा घाट के किनारे 152 बोतल विदेशी शराब बरामद किया गया। वहीं पुलिस को देखते ही तस्कर भागने में सफल रहा, पुलिस उसकी गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी कर रही है। बक्सर नगर थाना क्षेत्र के सोनीपट्टी मोहल्ले में शराब का पैसा नहीं मिलने पर एक पुत्र ने अपनी मां की जमकर पिटाई कर दी, जिसमें मां बुरी तरह जख्मी हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर जख्मी मां को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराए। बक्सर में कोचिंग संस्थान में तैयारी कराने के नाम पर ATM का OTP पूछ साइबर अपराधियों ने खाता से 3200 और सामानों की खरीदारी की। पीड़ित ने मामले को लेकर नगर थाना में मामला दर्ज कराई है, पुलिस मामले की जांच कर रही है। मिली जानकारी के मुताबिक हवाई अड्डा के जयशंकर राय की पुत्री नौकरी की तैयारी कर रही है। बिहार शिक्षक नियोजन प्रतिक्रिया के अंतर्गत ETE एवं प्राथमिक शिक्षक नियोजन की प्रतिक्रिया में बार बार विफलता के खिलाफ भारत की जनवादी नौजवान सभा, भारत का भारत फाउंडेशन एवं युवा कांग्रेस के छात्र एवं जनप्रतिनिधियों ने बिहार सरकार की शिक्षक बहाली प्रक्रिया का पुरजोर विरोध किया है। कैमूर जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई। पुलिस ने कुएं से एक 30 वर्षीय युवक का शव किया बरामद। परिजनों ने हत्या की आशंका व्यक्त करते हुए चार लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। मृतक की पहचान नंदना गांव के 30 वर्षीय युवक प्रदीप शर्मा के रूप में हुआ। कैमूर स्थानीय पुलिस ने रविवार को वारंटी के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान करीब 9 बजे पुलिस ने एक वारंटी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसके संबंध में थाना अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह ने बताया कि गिरफ्तार वारंटी रामगढ़ थाना क्षेत्र के 13 गांव निवासी सफी धोबी है। कैमूर पुलिस कप्तान दिलवास अहमद के निर्देशानुसार रामगढ़ थाने पर चलाए गए वाहन चेकिंग अभियान से चालकों में मचा हड़कंप। थाना अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एवं हेलमेट के मद्देनजर देखते हुए यह चेकिंग अभियान चलाया गया, अभियान जारी रहेगा। कैमूर के विद्युत की लापरवाही के कारण कभी बहुत ही बड़ी दुर्घटना हो सकती है। जिले के रामगढ़ में खान कम्प्लेक्स के ठीक पश्चिम साइड में खान कम्प्लेक्स के पास बिजली विभाग का एक तार पूरी तरह क्षतिग्रस्त अवस्था में पड़ा है।